Citylive, a platform to sharing your thoughts. Today we are discussing all this in open. Thanks to FLO as a platform, when we get such opportunity to meet such women and we come out with their stories. टिल रेड्स इन ब्लू में आज खास सेशन का आयोजन किया जा रहा है. इसमें तीन स्टार्टअप्स कामयाब महिलाएं हैं जो अपने अनुभव शेयर करेंगी और इसमें चेयरपर्सन श्वेता चोपड़ा और उनके साथ टीम फ्लो राजस्थान यहां मौजूद रहेंगी और यहां पर सभी मेंबर्स मौजूद रहेंगे. उनके सामने ये सभी अनुभव अपने शेयर करेंगे. yatra.com की को फाउंडर सबीना चोपड़ा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे. मैडम, कैसा रहा आज ये सेशन? बहुत ही अच्छा. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जयपुर की लेडीज़ इतनी फॉरवर्ड है, इतनी थिंकिंग इनकी फॉरवर्ड है. दे वांट टू डू बिजनेस ऑन देयर ओन. तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके. दे मेड मी फील सो वेलकम. मैं कहती जयपुर की हॉस्पिटैलिटी आज हमने फर्स्ट टाइम देखी, बहुत ही अच्छा लगा हमारे को. राजस्थान, जयपुर एक ट्रेडिशनल स्टेट है, ट्रेडिशनल सिटी है यहाँ, लेकिन धीरे धीरे ग्रो अप हो रहा है और ख़ासतौर से जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है वो डेवलप हो रही है धीरे धीरे यहाँ भी. तो क्या आपको लगता है कि शुरुआत में क्या चैलेंजेस रहते हैं और अब और बीइंग वुमेन क्या कुछ चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं और उसका किस तरह से सामना करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा चैलेंज जो आता है वो आता है फैमिली की तरफ से. जो ये बैरियर होता है कि वुमेन जब हस्बैंड अच्छा कर रहा है तो औरत को क्यों करने की ज़रूरत होती है, वाइफ को क्यों करना है, ये सबसे ज़्यादा बैरियर ये होता है. बच्चे हो गए, बच्चों को देखो, क्या उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो. सबसे ज़्यादा जो बैरियर आता है, जयपुर नहीं है ये, मैं किसी भी आपको जो टीयर टू टाउन्स में आप देख लेंगे यही बात होती है कि जो लेडी को इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिलती है फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से कि वो बिज़नेस करे. तो उसके हिसाब से जब वो डिसाइड करती है कि मेरे को अपना कुछ करना है तो वो कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है. वो अपने अंदर सेल्फ बिलीव, अपने आप को डाउट करते रहते हैं कि मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूं. ये मैंने देखा, ये दो जो सेल्फ डाउट होता है और एक जो यू नो जेंडर बायस के लिए चीज़ें जो भी है, या ये कहीं इनकरेजमेंट नहीं आता घर से कि अपने लिए सोचो कि क्या करना है, घर क्या बैठे हुए हो, ऐसे वे यू नो फ्री बैठे हुए, कुछ तो करो, ये यहाँ पे थॉट प्रोसेस नहीं दिखता. तो वो जो लेडी को जो इनकरेजमेंट है, जिसकी यू नो 21 साल में शादी हो गई, जो घर आ गई, बच्चे हो गए, उसको अपने अंदर जो उसको आर्टिस्टिक भी होगी पर उसके अंदर वो एक सेल्फ डाउट रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी. मैं ये कहती हूँ कि डाउट क्यों कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं कर पाओगे ना, पर एटलीस्ट कोशिश तो करो. मेरा एक ही मैसेज होता है कि कोशिश करो, बाद में नहीं होता वो किसी के हाथ में नहीं है. एक और मैं पूछना चाहूँगा, स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट की कुछ प्रोएक्टिव कुछ स्कीम्स हैं? हाँ जी. और स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल के साथ साथ, तो क्या इन्होंने हेल्प की है खासतौर से जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको आगे लाने के लिए? देखिए, मैंने जब शुरू किया था एंटरप्रेन्योरशिप और ये कह लेंगे अपने बिजनेस में, वो था 2006 में. तब ऐसी कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं. आजकल इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं वेयर वुमेन कैन, उनको लोन्स मिलते हैं, उनको टैक्सेस बचते हैं, उनको इनकरेजमेंट होती है, मेंटोरशिप होती है. अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट हर तरफ से हेल्प करने की कोशिश कर रही है. बट अगर मैं देखूँ, अगर एक स्टैटिस्टिक्स है 2017 का कि इंडिया इज़ रैंक्ड आउट ऑफ द 57 कंट्रीज जहाँ पे रिसर्च किया था, इट्स रैंक 52 इन टर्म्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. सो शुरुआत है, बट अभी शुरुआत ही है, अभी हम आगे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं बढ़े हैं कि जितना करना है. इंडियन जो पुरुष प्रधान समाज, ये अभी भी है, अभी भी है. आप अगर आप कहेंगे तो ये हम जब पैदा हुए थे, जब हम बड़े हुए तो ये था, और अभी भी मैं देखती हूँ कि चेंज हो रहा है, बट वो 5 or 10% में चेंज हो रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा. अभी भी मेल डोमिनेटेड है. Citylive, a platform to sharing your thoughts. और आई थिंक फ्लो ये जो सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये यंग ग्रेजुएट्स को मौका दे रहा है कि वो अपने एंटरप्रेन्योरियल थॉट्स बाहर लेके आए, उनको डिस्कस करें, उनको एक जनता के सामने रख सकें. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे लोगों को बहुत सीखने को मिलता है, इससे लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ेंगी ये सोच के और ये जान के कि मेरे जैसे. जब लड़कियों को अच्छे रोल मॉडल्स मिलते हैं, जब उनको प्रेरणा मिलती है तो वो खुद ही आगे बढ़ने लगती हैं. जब तुम लड़की को ये नहीं सिखाते हो कि तुम्हारा करियर कम इम्पॉर्टेंट है, बल्कि और लड़कियां भी हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, और ये अच्छी बात है कि ऐसा करना चाहिए. तुम्हारी ड्यूटी ये नहीं है कि तुम सिर्फ एक अच्छी हाउसवाइफ बनो. हमेशा से बचपन से ही एविएशन का बहुत शौक था, प्लेन्स का बहुत शौक था, तो मेरे को करना था और अपने आप लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं ये कर पाई. क्या कहेंगे आप अगर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, खासतौर से जो लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे?
मेरा मैसेज यही होएगा कि यू नो ये मत सोचिए कि आप लड़की हैं कि लड़के हैं कि वुमेन है कि मैन है, आप बस अपने आप में विश्वास रख के आगे बढ़ते जाइए लाइफ में और आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ड्रीम टू रियलिटी का एक विशेष सेशन आज यहाँ पर आयोजन किया गया होटल रेडिसन ब्लू में, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी हैं फ्लो चेयरपर्सन श्वेता चोपड़ा। मैडम, कैसा रहा आज का ये सेशन? तीन उभरते हुए स्टार्टअप्स ने अपने जो हैं केसेस प्रेजेंट करे ऑडियंस के सामने। यही नहीं, हमारे साथ थी कनिका टिकरीवाल जेटसेटगो से, साथ ही हमारे साथ थी कनिका के अलावा सबीना चोपड़ा yatra.com से, और हमारे साथ थी तन्वी जौहरी जो कि एक उभरती हुई यंग स्टार्टअप है जिनका कारमेसी के नाम से। तीनों ने अपनी किस तरह से उन्होंने चैलेंजेस को फेस करके वो आगे आई हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी और जर्नी शेयर करी, और साथ ही हमारी जो ये दूसरी तरफ जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपने केसेस प्रेजेंट करे, जिसमें से एक जो है बहुत ज़्यादा हमारे मेंबर्स को पसंद भी आया जो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर है। तो ये एक प्रयास था कि स्टार्टअप्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाए जयपुर के जोन में, और साथ ही ना सिर्फ बातें कराई जाए उनके इस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स से, बल्कि ये भी जाना जाए कि किस तरह से वुमेन आगे आ रही हैं और किस तरह से वो काम करना चाह रही हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास था फिकी फ्लो का कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और जो इस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक ही मंच पर लाया जाए। तभी प्रोग्राम का नाम था ड्रीम्स टू रियलिटी, किस तरह से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, उसका एक छोटा सा नमूना था। तो ये हैं फ्लो चेयरपर्सन श्वेता चोपड़ा, इनका कहना है कि आज का जो ये विशेष सेशन था इसमें स्टार्टअप्स ने अपने अनुभव शेयर किए ताकि और भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इन अनुभवों का लाभ मिल सके। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, सिटी लाइव जयपुर। City Live, a platform to sharing your thoughts.